my channel Max Editor. Today we are going to start a new topic, playing with numbers of class 6 chapter number 3. Okay, it's 6 class ka third chapter hai, iska name hai playing with numbers. Okay, isme hum aaj hum introduction part study karenge. Okay, is introduction part mein sabse first topic hai factors and multiples. Kya hota hai factors, kya hota hai multiples? Dekhiye, suppose koi ek number hai a. Okay, अगर एक के आपको फैक्टर राइट करें तब क्या करेंगे, 1, 2, 4 and 8, यानी कि 8 किस किसके टेबल में आता है, किस किस से कटता है, 1 से 2 से 4 से और 8 से. ओके, एंड मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल क्या क्या होंगे 8 के, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 and so on, है ना. यानी कि अगर फैक्टर्स पूछे जाएं 8 के तो वो है 1, 2, 4, 8, एंड मल्टीपल्स पूछे जाएं तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं. ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी बस ये समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है, अब सपोज आपको लिखना है 12 का फैक्टर. ओके, क्या होगा, 1 के टेबल में आएगा, 1 तो सब में ही आएगा है ना, 1, 2, 3, 4, 6 then I think 12, है ना, 12 के मल्टीपल 12 24 36 48 and so on. ओके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स, ये अब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ओके, मल्टीपल से कुछ बेसिक पॉइंट है उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. पहले हम एक नंबर लेते हैं, जैसे सपोज मैंने लिया 10. 10 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 5 and 10 खुद दिया है ना अपना फैक्टर. ओके, मान लीजिए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, आप किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे उसमें आपका 1 आएगा ही आएगा. ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ. एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर हो, अभी हमने 10 का लिया, वो खुद अपना भी फैक्टर होता है. इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये पॉइंट समझा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ दैट नंबर. देखिए, इसके जितने भी फैक्टर हैं, जैसे 1 है 2 है 5 है 10 है, ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ, ये हो गया ना, एवरी फैक्टर इज लेस देन एंड इक्वल टू गिवन नंबर. इसके जितने भी फैक्टर हैं, 1 है 2 है 5 है, इससे लेस है और 10 है उसके इसके इक्वल, यानी कि लेस भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट. नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने होंगे, फाइनाइट होंगे. देखिए 1, 2, 3, 4, इसके आगे तो ऑन तो है नहीं, है ना, फाइनाइट है. ओके, अब एवरी मल्टीपल, अब मल्टीपल का केस देखिए, 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40 and so on, है ना. एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, मतलब इस नंबर का जो भी मल्टीपल है वो इसके इक्वल होगा और इससे ग्रेटर होगा. बट फैक्टर में क्या था, स्मॉल था और इक्वल. ठीक है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट. फैक्टर क्या थे, इन फाइनाइट थे, बट जो मल्टीपल है वो क्या, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है क्योंकि तो बढ़ता रहेगा आगे तक. ठीक है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों में सेम है ना, फैक्टर भी इटसेल्फ अपना और मल्टीपल भी इटसेल्फ, मतलब अपना मल्टीपल भी है वो ना. ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको आप ऐड कर लीजिए, जिस कुछ भी बात कर लीजिए सब एनसीईआरटी से ही लिया गया है. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. देखिए, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime number. देखिए, prime number होता क्या है, वो number जिसका factor 1 हो और वो number खुद हो, वो आपके क्या होंगे, prime number. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 क्या था, prime number है, 3 prime number है, 5 prime number है. ये जो भी number मैं write कर रही हूँ, ये आप बताइए किसी की भी table में आते हैं, नहीं आते ना, इसीलिए ये नंबर 1 की टेबल में तो सब आते हैं, है ना, या तो 1 की टेबल में होंगे या खुद अपने ही टेबल में होंगे, जैसे 2 1 जा 2 3 1 जा 3 5 1 जा 5, बट इसके अलावा ये किसी और टेबल में
नहीं होते हैं, या फिर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। एक चीज और, आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या है सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्या होता है आपका? टू होता है। और ऐसा कौन सा नंबर है, ये इससे भी ज्यादा ये पूछा जाता है, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन हो? क्योंकि मैं जितने भी प्राइम नंबर है सारे आपके ऑड ही होते हैं, कोई एक प्राइम नंबर है जो आपका इवन इवन होता है, वो क्या है आपका? टू। ठीक है, टू एक प्राइम नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और क्या है, ये इवन प्राइम नंबर भी है, मतलब ये इवन है। अब नेक्स्ट, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंप्लीटेड नंबर, मतलब जो प्राइम नहीं है जितने भी बच्चे हो सकते हैं आपके कंप्लीटेड, जिनसे बहुत ही ज्यादा फैक्टर हो। जैसे एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फोर फोर के फैक्टर क्या क्या होते हैं? वन टू फोर है ना, दो से ज्यादा है, ऐसे सिक्स, वन टू थ्री सिक्स, ये सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिए। एंड एक चीज और आप ट्राई करिए कि जो वन है स्टार लगा के, वन एट नाइदर, वन एट नाइदर प्राइम नो कंप्लीट। जो वन है ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको राइट करो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर आपका क्या होता है आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते उधर देखिए। जो भी नंबर है अगर वो टू से कट जाए आपका, ठीक है, हो सकते हैं आपके इवन नंबर है, जैसे टू फोर सिक्स एट टेन। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर है तो मैंने लिख दिया टू एट फोर सिक्स, इसकी लास्ट डिजिट क्या हो? इवन होनी चाहिए। ठीक है, वो सब इवन नंबर ही होते हैं। ओके, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो आपकी टू से कट नहीं चाहिए, कहने को बोल दिया। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं आपके इवन नंबर एंड सो ऑन। ओके, ये तो हो गया आपका इवन। नेक्स्ट और तो भी टेबल से नहीं करें तो सारे ऑड है ना, जैसे कि वन आपका ऑड है, थ्री ऑड है, फाइव ऑड है, सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, ये सब क्या है आपके ऑड नंबर है। ठीक है, आप जैसे कि बड़ा नंबर लिख दिए मैंने नाइन फोर थ्री सेवन, अब ये जो लास्ट डिजिट है टू भी टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये आपका ऑड नंबर है। ओके, और ये आपका क्या है इवन नंबर। ओके, तो टेंशन में आ गया आपको, इसको राइट करिए।